साथ मौजूद हैं हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार बीजेपी के मनीष जायसवाल जी। आज एक सामान्य कार्यकर्ता को फिर बीजेपी ने राज्यसभा तक पहुंचाने के लिए जो है उम्मीदवार बना दिया, कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप भी एक उम्मीदवार बने लोकसभा के लिए और प्रदीप जी भी राज्यसभा के लिए? देखिए, ये कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ा सुखद संदेश जाता है जब वो अपने बीच के किसी को देखते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, तो उनमें दो भावना पैदा होती है। एक तो कि निष्ठा के पार्टी के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, दूसरा जो काम है वे बैठ करके पार्टी आपको एक्नॉलेज नहीं कर सकती, ना करती भी नहीं है, तो आपको अपना काम करना पड़ेगा, पार्टी के लिए, देश के लिए, दोनों के लिए समर्पण भाव से रहना पड़ेगा। हजारीबाग में आप शुरू से रहे हैं तो वहाँ की सारी चीज़ों को देखते समझते आए, अब जब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़ा क्षेत्र मिला है, तो भ्रमण करने जो जा रहे हैं तो क्या कुछ समस्याएं निकल के सामने आई हैं जिसको कि आप अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहले दूर करेंगे? देखिए, कोई भी संसदीय क्षेत्र में एक ही समस्या होता है कि सांसद आए नहीं, कोई भी, मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आम कॉमन समस्या है, तो यही समस्या से हम भी जूझ रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अब तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, सुबह से रात तक जनता के बीच ही रहना हो रहा है, तो कैसा रिस्पांस है लोगों? देखिए, जितना हमने सोचा था उससे 5 गुना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है, बहुत बढ़िया चल रहा है और मोदी जी के नाम पे एक बड़ा समर्थन क्षेत्र में है। विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार सामने नहीं आया है, क्या लगता है कि मनीष जी को उम्मीदवार बनाने के बाद वहाँ अब सोचना समझना पड़ रहा है कि अपोजिशन में किसे खड़ा किया? ये वो उनका काम है, जिनको भी खड़ा करें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों को जोड़ रहे हैं, जो हमारी भावना है, जो हमारा परंपरा है, उसके ऐड करने का प्रयास कर, बाकी उनका काम है जिसको टिकट दे। हम लोग पिछली बार से अधिक लाने की कोशिश है कि मार्जिन के लिए लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कि अपने विचारधारा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, यही है लड़ाई, इसी बात का है, मार्जिन का कोई लड़ाई नहीं। तो बिल्कुल, आपने सुना कि जो जनता है वो खुलकर सामने आ रही है और मोदी जी के कामों की तारीफ जो है क्षेत्र में हो रहे हैं और इस वजह से जीत जो है वो आसानी से होगी, लेकिन फिर भी ये अपने बातों को लेकर के, अपने वादों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।